आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। मैं इस फिल्म में लल्लू राम में एक साइकियाट्रिस्ट की भूमिका निभा रही हूँ, एक मनोचिकित्सक की। और इसका जो मुख्य किरदार है लल्लू राम, मैं उसका इलाज करती हूँ, उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। और मतलब उसका उसके अंदर की जो मासूमियत होती है उसे देख के मुझे उसे कुछ अफेक्शन होता है और एक अट्रैक्शन होता है, और मतलब मैं उसे प्यार करने लगती हूँ। और ये पूरा फुल फैमिली ड्रामा है इसमें, ये रोमांटिक भी है, एक्शन भी है इसमें, और काफ़ी इमोशनल भी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो प्लीज़ वॉच इट। जी एक्चुअली इसमें मेरा किरदार नर्स का नहीं है, एक मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकियाट्रिस्ट का है। मतलब जो मेंटली डिसेबल्ड जो होते हैं उनका मैं ट्रीटमेंट करती हूँ ताकि उन्हें ठीक कर सकूँ। उनके अंदर वो ऐसा क्या, उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिस वजह से उनकी जो मनोदशा है ऐसी हो गई है। और जो लल्लू राम होता है उसकी जो पीछे की कहानी है मुझे पता चलती है, जिससे मैं और उससे अट्रैक्ट होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकूँ और उसे एक आम ज़िंदगी दे सकूँ। और इसके लिए मुझे मेरे जो डायरेक्टर सर हैं अमोल सर, उन्होंने काफ़ी कुछ इस किरदार के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया, जैसे कि ये स्टोरी खुद उन्होंने ही लिखी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरी कि मैं कैसे इस किरदार को निभाऊं। सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट ने काम किए, जैसे कि दीपक शिर्की जी, मोहन जोशी जी, मुकेश बहर जी, न्यूटन लुक्का जी, ये सभी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। और एक्टिंग की बारीकियों के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके साथ मैंने काम किया जिनको बचपन से देखा था सिर्फ। जी मेरा नाम टीनू पुरोहित है, और चूँकि मुझे बचपन से संगीत का शौक था तो मैंने संगीत सीखा, और फिर धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्शन में आ गया मैं। जी इसमें मेरे दो गाने हैं, एक तो मस्ती वाला गाना है, हैप्पी सॉन्ग इसको हम बोल सकते हैं, जो विनोद राठौर जी ने गाया, जिसको होली सॉन्ग, और एक गाना फैमिली सॉन्ग है, तो वो गाना शाहिद मालिया जी ने गाया है। माय नेम इज़ पायल सिंह, और मैं इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले भी इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर किए हैं, लेकिन यहाँ पे इस मूवी में मैं कंप्लीट एक दबंग पुलिस ऑफिसर का जो कैरेक्टर होता है वो प्ले कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे स्टंट किए हैं, फाइट किए हैं, तो बहुत ही इंटरटेनिंग है मेरा कैरेक्टर, एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही सीनियर और दो कैरेक्टर्स थे, दीपक जी और अमोल जी, जिनके साथ काम करते वक्त हमें उनसे बहुत कुछ, वो हमें कभी कभी गाइड करते थे। जब भी हमारे फाइटिंग सीन्स होते थे, मोस्टली हमारे फाइटिंग सीन्स, मेरे फाइटिंग सीन्स वो अमोल सर के साथ होते थे, मोहन सर के साथ होते थे। मोहन सर मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम कॉन्फिडेंटली जितनी फ़ाइट करनी है कर सकते हो, ज़रा भी तुमको दिल में ये हिचक लाने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्योंकि जब भी मेरी फाइटिंग उनके साथ हो रही थी कि मुझे उनको मारना है, पैर से कितनी बार ऐसा हुआ, मुझे लेग से मैंने स्टंट किए और फाइट किए, तो मैं एक दो बार थोड़ा संकोच कर रही थी कि माइट बी उनको मेरा पैर नहीं लग जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नाउ यू आर ओनली कैरेक्टर, तुम एक ऑफिसर हो और तुम्हें जो तुम्हारा बेस्ट है वो तुम दो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार गाइड किया, बहुत बार चीज़ें समझाई कि यहाँ पे अगर तुम इस टाइप से अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो मैंने काफ़ी